सुबह की धूप खिली है, निबाज किताब खोल के पढ़ने बैठा है। आ गया है एग्जाम का जमाना, देखो निब्बा बना है किताबों का दीवाना। अच्छा है। हेलो गाइस, वेलकम टू नाना पाटेकर व्लॉग्स। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और मैं सुबह 6 बजे से किताब खोल कर यहाँ बैठा था। एक लाइन भी दिमाग में नहीं गया, क्या करूँ मैं, हाँ क्या करूँ। अरे जब चैप्टर 2 पढ़ता हूँ तो चैप्टर 1 भूल जाता हूँ, और जब चैप्टर 1 याद करने बैठता हूँ तो याद आता है फलाने सब्जेक्ट में ढमकाने चैप्टर में कुछ याद रही है। क्या करूँ मैं, अरे इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इतना सा दिमाग है मेरा, कहाँ घुसाऊँ, पटक लूँ माथे पे, बता मुझे, बता मैं क्या करूँ। अच्छा नहीं है। अरे क्या करूँ मैं, सैंपल पेपर खरीद के, हाँ क्या करूँ, क्या करूँ इस सैंपल पेपर का, फाड़ दूँ क्या, फाड़ भी नहीं सकता, पास जो करवाता है मुझे, बहुत दिक्कत है जिंदगी में। आए ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, तो मैं अब सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, दिमाग में ऐसा दर्द हो रही है मुझे, चुल मची है सोने की। 1 घंटे आराम से सोऊंगा, फिर उठ के पढ़ाई करूंगा, मिलता हूँ उठ के, मिलता हूँ। गाइज नींद भी बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, किताब खोलो तो 2 मिनट में आ जाती है, लेकिन मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से लेटा हूँ, नींद नहीं आ रही, क्या करूँ यार। 2 घंटे से दिमाग में चल रहा है व्लॉगिंग में क्या कंटेंट डालूँ, बंद करिए व्लॉगिंग। गाइज मैंने अभी अभी डिसाइड किया है व्लॉगिंग के लिए कंटेंट नहीं बनाऊंगा। अरे व्लॉगिंग के लिए कंटेंट की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी चूतिया पा बनाओ, लोग देखने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा है, मैं भी बनाऊंगा व्लॉगिंग, कमेंट में बता क्या करूँ, व्लॉगिंग करूँ या नहीं करूँ, जल्दी बता। तो गाइज मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, बाहर कोई नहीं आता, एकांत है, आराम से बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करूंगा। कब बॉस, कब छूट रहा सरू का बेटा, जा पूछ के आ, जा पूछ के आ। अरे लोग आजकल मुझसे मेरा ओपिनियन मांगते हैं, शाहरुख खान के बेटे ने सही किया गलत किया। है मुझसे क्या पूछ रहा है, मैं कौन हूँ बताने वाला, वो शाहरुख खान का बेटा है, समझा, गोपी चंद तिवारी का बेटा नहीं, जो मुखर्जी नगर में UPSC की और कोटा जाकर नीट की तैयारी करेगा। अरे उसे माल फूकना है तो फूकने दो, अरे मेरे जैसे बच्चों की जिंदगी तो इन्हीं किताबों के बीच गुजरेगी, आधी जिंदगी पैर घिस घिस करके, पिछवाड़े घिस घिस करके गुजार दी है मैंने, अभी पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मुझे तैयारी करने में। अच्छा है, मुझसे मत पूछ, हाँ। अरे न्यूज खोलो, टीवी देखो, हर जगह शाहरुख खान के बेटे को 2 मच्छर ने काटा, उसने इतना टट्टी किया, उसने यह ठूसा। अरे मेरी तकलीफ भी बता कोई, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है टाइम पे, क्या करूँ, हाँ इतना प्रेशर दिमाग पे लेके घूमता हूँ, फिर भी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है। अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे 10 चैप्टर में से 9 चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओ, 1 चैप्टर ये सोच के मत पढ़ो कि इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ऐसा लगता है मेरे से पर्सनल कोई दुश्मनी है। क्या करूँ, हाँ क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर प्रेपलाइडर की वीडियोस देखने, जो कि लाइव MCQ मैराथन है, उससे मेरी तैयारी को रॉकेट की तरह फ्यूल मिलेगी, हो सकता है मैं रैंक 1 भी हो जाऊँ, क्या पता फिर तनुश्री मेरे पैसेज का रिप्लाई भी कर दे। अच्छा यह लाइव रिकॉर्डिंग है, मैं इसे देखकर अपनी तैयारी करूंगा, PG में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वैसे तो लाइव सेशंस की भरमार है यहाँ पे, ऑप्स गायने पेडियाट्रिक्स सारी चीज़ें मिल जाएंगे, जिसे भी करनी है कर लो, फ्री है। अच्छा है, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको नाना पाटेकर की व्लॉग्स देखनी है तो नीचे कमेंट में बताओ, मैं भी नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, एक ही तरीके का कंटेंट बार बार बनाने से मज़ा नहीं आता उतना मुझे खुद भी, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो देख रहे हैं मेरी वीडियोस उनको भी नहीं आएगा, तो मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा, आप लोगों के सपोर्ट की उम्मीद रहेगी मुझे, बाकी तो बस जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।